सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को नए नए टाइप के नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेडिसिन के बारे में, और ये मेडिसिन है आपकी डावर कंपनी की लोहा सवा। अब इस लोहा सवा के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे आपको लेना है, क्या रिजल्ट है, क्या प्राइस है, ये सारी जानकारियां जो है आज की इस वीडियो में आपको दूंगा। तो दोस्तों, ये जो मेडिसिन है, सबसे पहले हम प्राइस से शुरुआत करते हैं। अगर आप 225 ml की एक बॉटल लेते हो तो आपको 84 रुपीज़ में मिलेगी। वहीं इससे बड़ी बॉटल लेते हो 450 ml की तो ये 135 रुपये में मिलेगी, और 680 ml की बॉटल लेते हो तो 162 रुपये में मिलेगी। तो इस प्रकार से तीन वेरिएंट में ये बॉटल जो है, या फिर मोदी मेडिसिन जो है, अवेलेबल है। और ये जो दोस्तों मेडिसिन है, या मैं बोल दूँ सिरप है, सिरप फॉर्म में है। तो ये जो सिरप है आपका, जो है बहुत सारी जड़ी बूटियों द्वारा बनाया गया सिरप है, या फिर मेडिसिन भी आप इसको बोल सकते हो। और 100% वेजिटेरियन है, मतलब जो लोग वेजिटेरियन है वो बिल्कुल इस मेडिसिन को, लोहा सभा को, ले सकते हैं। तो चलिए अब इसके फायदे के बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, लोहा सभा नाम से ही समझ में आ रहा है, लोहा सभा मतलब आयरन, लोहा। इसमें लोहा है जो कि, जिसको हम आयरन बोलते हैं, जो कि आपका खून बढ़ाता है, आपके एचबी को बढ़ाता है, हीमोग्लोबिन जिसको हम बोलते हैं। तो अगर आपको खून की कमी है, ज़्यादातर ये लेडीज़ लोगों को खून की कमी होती है, बहुत लेडीज़ों में ऐसा देखा गया है कि उनमें जो है बहुत ज़्यादा एचबी की कमी होती है, तो बिल्कुल एक बार जो है इस लोहा सभा को वो लेकर देख सकती हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ वीकनेस टाइप का होता है, आप में कुछ एनर्जी की कमी होती है, ऐसा लगता है कि भाई मुझ में एनर्जी नहीं है, तो उस कंडीशन में आप इसको ले सकते हो। और अगर शरीर में सूजन आ रही है, तो दोस्तों ये सब कारण क्या होता है, अगर आपका आयरन कम है, मतलब खून की कमी है, तो ये सब कारण होते हैं। शरीर में सूजन आ जाती है, खुजली टाइप का शरीर में होने लगता है। इसके अलावा दोस्तों, इसके और भी फायदे हैं, जैसे कि डायबिटीज पेशेंट के लिए काफ़ी अच्छी, डायबिटीज पेशेंट भी ले सकते हैं, वो जिनको पाइल्स की शिकायत है, फिस्टूला की शिकायत है, या जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है, जिनको खाना सही तरीके से नहीं पचता है, वो लोग भी इसको ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, इसमें बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपका खून तो बढ़ाएंगे, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे फायदे मिलेंगे उनसे। और इसके अलावा दोस्तों, भूख लगने की समस्या, मतलब भूख कम लगने की समस्या, कई लोगों को भूख कम लगती है, तो उस कंडीशन में भी इसको ले सकते हैं। और कोई लीवर से संबंधित कोई डिजीज है, या आपका जो ब्लड सर्कुलेशन जो होता है उसको बढ़ाती है, अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो आपके जितने भी ऑर्गन्स होते हैं ना, या फिर बोल दें कि बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं ना, वो अच्छे तरीके से काम करते हैं। इसके अलावा सांस लेने में अगर आपको तकलीफ हो रही है, या बीच बीच में आपको चक्कर आते हैं, आपका सर दुखता है, या पेट में जो है आपको कभी ट्यूमर होने की समस्या है, या फिर मैं बोल दूँ ट्यूमर होने से भी ये बचाती है। इसके अलावा सेल्स को डैमेज होने से बचाती है, जॉइंटिस जिसको हम पीलिया कहते हैं उससे भी बचाती है, और आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रांग करती है। तो आपने देखा दोस्तों, इसके कितने सारे फायदे हैं। तो देखिए, इसका सबसे बड़ा फायदा है कि ये भाई खून बढ़ाएगी, आपका एच भी बढ़ाएगी, लेकिन इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि मैंने बताया ना दोस्तों, इसमें बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपके हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। तो चलिए अब इसके डोज के बारे में हम बात करते हैं। तो 1 से 2 चम्मच, या फिर 15 से 30 ml जो है आपको लेना है, और एक दिन में 2 बार तक लेना है। तो दोस्तों, अगर आप 15 ml लेते हो, या फिर 30 ml लेते हो, मान लीजिए आपने 30 ml लिया, तो 30 ml जो है पानी मिलाना है और इसको पी लेना है, और ये खाना खाने के बाद आपको पीना है। जैसे कि कुछ भी खाया आपने, तो उसके आधे घंटे बाद इसको लेना है। तो एक दिन में 2 बार तक ले सकते हो, लेकिन अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, केवल फिटनेस के लिए लेना चाहते हो, या फिर आपका भाई एच बी बहुत ज़्यादा कम नहीं है, मान लीजिए लेडीज़ हैं, तो लेडीज़ में मान लीजिए आपका 11 है या 10.5 है, तो मतलब बहुत ज़्यादा आपका कम नहीं है एच बी, तो उस कंडीशन में आप चाहें तो इसको एक बार भी लेके देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये लेडीज़ जेंट्स कोई भी ले सकते हैं इसको, सभी को फ़ायदा मिलेगा। और बच्चे की उम्र अगर 15 साल से ऊपर है तो ले सकता है, लेकिन 15 साल से कम उम्र है बच्चे की, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार जो डॉक्टर से सलाह लें इसको लेने से पहले। ज़बरदस्ती में हमको इसको नहीं लेना चाहिए बिना डॉक्टर के सलाह लिए, अगर आपकी उम्र 15 साल से कम है तो। इसके अलावा अगर प्रेग्नेंट लेडी है, तो प्रेग्नेंट लेडी इसको ले सकती है, लेकिन मैं इधर मना करूंगा, क्योंकि प्रेग्नेंसी में अननेसेसरी कोई भी मेडिसिन नहीं ली जाती है बिना डॉक्टर के सलाह करे बिना, क्योंकि ऑलरेडी जो गायनेकोलॉजिस्ट है बहुत सारी मेडिसिन आपको देती है, जैसे कैल्शियम आयरन, तो ऊपर से आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है, या फिर डॉक्टर से जो है एक बार कंसल्ट करें। तो इधर जो है इसका साइड इफेक्ट के बारे में हम बात करते हैं। तो साइड इफेक्ट इसका कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर इसको लेने के बाद आपको कुछ हेल्थ में इशू लगते हैं, तो आप इस मेडिसिन को लेना बंद कर सकते हो। हालांकि इसका कुछ भी साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो है एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें भाई रिजल्ट के बारे में, तो रिजल्ट कब तक मिलेगा, तो कम से कम आपको 3 महीने लेना है बेस्ट रिजल्ट के लिए। और अगर आप 1 महीने इसको रेगुलर लेते हो ना, तो आप देखिएगा कहीं ना कहीं आपको 1 महीने बाद ही फायदा नजर आ जाएगा, और बेस्ट रिजल्ट के लिए कम से कम आप इसको 3 महीना लेके चलिए।
तो दोस्तों आप इधर मैं कुछ एडवाइस देना चाहूंगा जो कि आपको फॉलो करना है, जिससे कि इस मेडिसिन का आपको अच्छा खासा फायदा देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको फ्रूट शामिल करिए, फ्रूट्स और जूस शामिल करिए डेली रूटीन में। भाई जूस नहीं पी सकते तो फ्रूट्स खाइए। तो इधर फ्रूट्स में जैसे कि अनार हो गया, चकुंदर हो गया, एप्पल हो गया, यहाँ तक कि आप टमाटर भी खा सकते हैं। इससे भी आपका जो है एच बी बोल दूँ, हीमोग्लोबिन या बोल दूँ, खून बढ़ता है। इसके अलावा आपको ग्रीन वेजिटेबल खानी है, जैसे कि पालक। पालक में काफ़ी अच्छा आयरन होता है, और सलाद वगैरह खाइए। तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका आयरन या मैं बोल दूँ खून जल्दी बढ़ेगा, आप अगर ये मेडिसिन लेते हो तो। और इसके अलावा जो नॉन वेजिटेरियन है तो उनकी कोई बात नहीं, हालांकि देखा गया है कि जो नॉन वेजिटेरियन है उनको ज़्यादातर खून की कमी नहीं होती है, क्योंकि भाई वो नॉन वेज खाते हैं, डेली अंडा खाते हैं, लीवर खाते हैं, तो उनको क्या होता है कि आयरन की कमी नहीं होती है। लेकिन जो वेजिटेरियन है तो उनको कहीं ना कहीं देखा गया है कि खून की कमी होने के उनको चांसेस होते हैं। तो दोस्तों आपको काफी कुछ इस मेडिसिन के बारे में समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी भी कोई डाउट है इस मेडिसिन को लेकर तो प्लीज आप मुझे कमेंट द्वारा पूछ सकते हो। और दोस्तों अगर आप ऐसे हेल्थ से रिलेटेड या फिर बोल दूँ डाबर से रिलेटेड इस टाइप के और भी वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो दोस्तों मेरा वीडियो इधर ही खत्म होता है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप बने रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर केयर।